बारिश हो रही थी और उस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। पानी लगातार बढ़ता गया और रिहायशी इलाकों में घुस गया, घरों में घुस गया। बचाव दलों को बुलाया गया फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए। जिस पहले घर में वो गए, घुसते ही घर वालों ने शिकायतें शुरू कर दी कि सब कुछ खो गया है, हमारी जिंदगी बिखर गई है। और ये बात उस घर के दंपति ने रोते हुए कही। बचाव दल भी उनकी बातें सुनकर उदास हो गया। फिर वो अगले घर में गए। घबराते हुए इस घर में पानी ज्यादा भर गया था और उन्होंने सोचा, पता नहीं अब हमें और क्या देखने को मिलेगा और ऐसी कौन सी बातें मिलेगी जो हमें आश्चर्यचकित कर दे। उस घर में भी रहने वाले दंपति ने बचाव दल से कहा कि इस बाढ़ में हमने अपना सब कुछ खो दिया है सिवाय हमारी शादी के एल्बम के, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित हैं और अपनी जिंदगियों को एक बार फिर खड़ा कर सकते हैं। वो जिनका भरोसा परमेश्वर पर है उनके लिए हर चुनौती एक अवसर है। परमेश्वर में अपना विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। क्या आप इस परमेश्वर को जानते हैं जिस पर आप हर समय विश्वास कर सकते हैं? पवित्र शास्त्र कहता है भजन संहिता 100:5 में, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है।